ओम शांति। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे मैगज़ीन का सब्सक्रिप्शन टाइप बनाना। तो आपने अभी जो मैगज़ीन बनाया था मैगज़ीन मास्टर के अंदर, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन टाइप क्या होता है। सपोज़ आपके पास कोई मेंबर मैगज़ीन सब्सक्राइब करने के लिए आता है कि मुझे ये मैगज़ीन इतनी देर के लिए भेज दीजिए, तो हम कितने तरीके की सब्सक्रिप्शन उनको प्रोवाइड करते हैं उसको हम सब्सक्रिप्शन टाइप कहते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन है जो एनुअल है, 1 साल की, तो ये एक सब्सक्रिप्शन टाइप हो गया। दूसरा है कि हम उसको पूरी लाइफ का सब्सक्रिप्शन देते हैं, ये है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, ये दूसरी टाइप का सब्सक्रिप्शन हो गया। सपोज हमारा एक है जिसके अंदर हम उसको 5 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो ये होगा 5 ईयर सब्सक्रिप्शन टाइप। तो ऐसे ही हमको अपने सब्सक्रिप्शन टाइप्स को पहले यहाँ डिफाइन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसके लिए ये विंडो है। तो सबसे पहले आप जिस मैगज़ीन के लिए सब्सक्रिप्शन टाइप बना रहे हैं उसे यहाँ ऊपर वाले ग्रिड में यहाँ सेलेक्ट करके क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे वाले ग्रिड में आइए, आप देखेंगे कि मैगज़ीन बनाते ही एक सब्सक्रिप्शन टाइप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है जिसका नाम है सिंगल कॉपी। इसके अलावा आप जो नई सब्सक्रिप्शन टाइप्स क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए आप पहले यहाँ पर इस ग्रिड में क्लिक कीजिए, ये ब्लू हो जाएगा, ये मैरून हो जाएगा। उसके बाद यहाँ न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपकी सब्सक्रिप्शन टाइप का नाम क्या है। सपोज आप एनुअल सब्सक्रिप्शन बना रहे हैं तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन टाइप का नाम में आएगा एनुअल। ऐसे ही आपको एक शॉर्ट नेम लिखना है जो आपके मेंबर आईडी में आगे जाके यूज़ होगा, तो यहाँ पे उसका 2 डिजिट का शॉर्ट डिजिट AM। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन जो है आप कब बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन टाइप, ये इसका साइकिल कौन से महीने से शुरू होता है? अगर आपका सब्सक्रिप्शन टाइप किसी पर्टिकुलर महीने से शुरू होता है, जैसे कईयों का जुलाई से जून होता है, कईयों का अप्रैल टू मार्च होता है, तो यहाँ पे आपको वो मंथ सेलेक्ट करना है। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप कोई भी एक मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम मंथ्स कि ये सब्सक्रिप्शन कितने महीने का है। सपोज आपका ये सब्सक्रिप्शन 1 साल का है तो यहाँ पे आपको 12 लिखना है, 1 to 12। अगर आपका ये सब्सक्रिप्शन 3 साल का है तो यहाँ पे आपको 36 लिखना है। और अगर ये आपका सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम है पूरी उम्र के लिए तो आपको यहाँ पे 0 भी लिखना है। ओके अगर आप जो सब्सक्रिप्शन टाइप बना रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है, अगर ये 12 महीने का है तो आपको यहाँ 12 लिख देना। उसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हुए अपने सब्सक्राइबर्स को ये चूज करने की को एक ऑप्शन देते हैं कि वो 11 महीने का भी कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं, 13 का भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे फिक्स्ड पीरियड में इस रेडियो बटन को नो लिखेंगे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन आपका हार्ड एंड फास्ट है कि आप 12 महीने का ही देते हैं तो आपको एक फिक्स पीरियड यस रखना है। और ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका मतलब ये है पीरियड वाइज फी कैलकुलेशन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 12 महीने का 60 रुपया रखा है, अगर वो व्यक्ति आपसे 11 महीने का सब्सक्रिप्शन करवाता है और आपने यहाँ पे पीरियड वाइज फी कैलकुलेशन को यस करके रखा हुआ है तो आप उस व्यक्ति से 55 रुपीज़, यानी कि 12 मैगजीन का 60 रुपया हुआ तो एक मैगजीन का 5 रुपया, तो 11 महीने का हो 55। तो अगर आप ये ऑप्शन पीरियड बाई फी कैलकुलेशन यस करके रखेंगे तो सिस्टम अपने आप जो पीरियड आप डालेंगे उस पीरियड के अकॉर्डिंगली फीस कैलकुलेट करेगा। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वो व्यक्ति 12 करवाए, 11 करवाए, 10 करवाए, पर मुझे फिक्स 60 रुपया ही उससे लेना है तो आपको यहाँ पे नो करके रखना होगा। ठीक है, अभी आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन टाइप क्रिएट हो जाएगा। और आपने जो सब्सक्रिप्शन टाइप यहाँ क्रिएट किया है वो यहाँ पे आपके पास लिस्ट में आ जाएगा। एक और सब्सक्रिप्शन टाइप यहाँ पर क्रिएट करके देखते हैं, इसका हम नाम रखेंगे लाइफ टाइम, शॉर्ट फॉर्म LF। स्टार्ट मंथ वैसे ही जुलाई, मिनिमम मंथ्स में हम यहाँ 0 रखेंगे। 0 रखते ही आप देखिए पीछे वाला ये ऑप्शन जो है ग्रे आउट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। अभी आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्म करेगा, देखिए यहाँ पे कि
कि जो आपने यहाँ पे ऑप्शन भरी है, दिस सब्सक्रिप्शन टाइप इज कंसिडर्ड एज लाइफ सब्सक्रिप्शन। माना ये कंफर्मेशन है कि लाइफ सब्सक्रिप्शन होगा। अगर आप यस करेंगे तो ये आपकी ये सब्सक्रिप्शन टाइप को सेव कर देगा। तो हमने आपके सामने यहाँ पे दो सब्सक्रिप्शंस क्रिएट किए हैं, जो आप जब सब्सक्रिप्शंस करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिखाई देंगे। अब अगर आप किसी सब्सक्रिप्शन बनाने के बाद उसको एडिट करना चाहते हैं तो पहले उस मैगजीन को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसकी सब्सक्रिप्शन टाइप को सिलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ एडिट पर आकर क्लिक कीजिए। इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज कीजिए और यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिए। तो आपके द्वारा की बनाई हुई सब्सक्रिप्शन टाइप के अंदर चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, देखिए। और अगर आप किसी एक सब्सक्रिप्शन टाइप को डिलीट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके ऊपर डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी सब्सक्रिप्शन टाइप डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मैगजीन के लिए सब्सक्रिप्शन टाइप बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ओम शांति।